भाई दोस्तों, आज देखते हैं रॉ प्रेसरी के पोमोग्रेनेट यानी अनार जूस को। तो ये भी बेसिक सीरीज है, तो बेसिक सीरीज आप देख सकते हैं इसमें बेसिक्स। और बेसिक सीरीज में ये प्योर जूस रहते हैं, और बेसिक सीरीज नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ वो मिक्स करके रखते हैं। तो एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं पोमोग्रेनेट जूस जो अनार का जूस है वही 99.8% है। सिट्रस फाइबर और विटामिन सी एंटी ऑक्सीडेंट INS 300, ये थोड़े बहुत मिक्स हैं, 0.2% जो बचा हुआ है। तो देख सकते हैं पूरी तरह से अनार का जूस है। इसके एक बार हम कीमत को देख लेते हैं। इसकी कीमत यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी कीमत है 150 रुपये। तो 150 रुपये में ये है आपका 250 ml। आप देख सकते हैं यहाँ पर 250 ml, 150 रुपये। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 150 रुपये में 250 ml अनार का जूस बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और अनार का जूस भी, हालांकि अनार खोल के उसका जूस निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस मेहनत के बावजूद आप यही चाहेंगे कि मतलब कम से कम इसके लिए आपको 150 रुपये तो खर्च ना करने पड़े। और आप जानते हैं कि अनार एक पर्टिकुलर मौसम में बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन हो जाता है, तो उस वक्त आप जब खरीदते हैं तो काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है। अमूमन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये ब्लड को भी आपके अच्छा रखता है, तो इस वजह से इसकी कीमत भी अक्सर बड़ी हुई रहती है जब इसका प्रोडक्शन कम होता है। लेकिन जब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो ये आप साउथ इंडिया के रीजन में जो मुंबई के आसपास है वहाँ पर जब मैं इसको देखता हूँ तो उस टाइम पे ये करीब 80 रुपये किलो के आसपास भी कई बार बड़े आराम से मिल जाता है, 60 से 80 रुपये किलो के आसपास। और इन जनरल जो इसके रेट रहते हैं वो महंगे रहते हैं। तो जब ये एक सीजनल फ्रूट है तो इसका रेट आप डिसाइड कर सकते हैं जिस टाइम पे आप इस जूस को ख़रीदना चाह रहे हैं। उस टाइम पे अगर अनार की प्रोडक्शन ज़्यादा है और उस वक्त अनार बहुत सस्ता है तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप अनार खरीद लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और उसको आप तोड़ के उसका जूस बनाइए, तो आपको काफ़ी सस्ता वो जूस पड़ेगा। ये 150 रुपये में 250 ml तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं फिर से आपको बता दूँ, हालाँकि मैंने 150 रुपये में नहीं लिया है क्योंकि मैंने ये क्रेड से लिया था जिसमें लगभग 70% डिस्काउंट मुझे उस वक्त मिला था। आजकल क्रेड में इतना ज़्यादा इसमें डिस्काउंट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी 50 से 60% के बीच बीच में कभी जब स्पेशल ऑफर आते हैं तो आपको ये क्रेड में इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अब हम इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं इसके टेस्ट में कैसा है। ये देखिए, तो इसका कलर बिल्कुल नेचुरल कलर है। जब भी आप अनार को देखते होंगे तो उसका जूस अगर आप इमेजिन कर सकते हैं आपने बनाया हो तो इसी तरह का उसका कलर रहता है। तो कलर बिल्कुल नेचुरल है। मैं पी के देखता हूँ टेस्ट में कैसा है। तो इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका है। ये इतना महंगा जूस है तो इसलिए मतलब इसमें जो भी अनार यूज़ करे हुए होंगे वो प्रीमियम क्वालिटी के होने चाहिए। हालांकि इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि कौन से अनार है, कहाँ के अनार है, वो इस तरह का कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इतना महंगा है तो कुछ ना कुछ प्रीमियमनेस इसमें होनी चाहिए। तो इस वजह से इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही प्योर लगेगा, और आप इसके टेस्ट से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आपने 150 रुपये खर्च किए हैं तो आपको इतना तो लगेगा कि आप कुछ अच्छी चीज़ पी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका डिसीजन है कि आपको इतना महंगा जूस ट्राई करना है या नहीं। और एक बार इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिए, क्रेड या किसी दूसरी एप्लीकेशन लाइक जैसे गोकी है। गोकी में तो ये आता नहीं है रॉ के जूसेज ज़्यादा, लेकिन क्रेड में आपको बीच बीच में डिस्काउंट में मिलते रहेंगे। और रॉ की साइड से भी आप ले सकते हैं इसको थोड़े डिस्काउंट में 20-25%। तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिए क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा है, पूरी तरह से नेचुरल है, कोल्ड प्रेस है। तो हालांकि जो अनार के जूस रहते हैं वो भी आप कोल्ड प्रेस काफ़ी ईजीली उसको कर सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और ये काफ़ी अच्छा है टेस्ट में।